खबरदार होशियार, बैंक के नंबर से आने वाली हर फोन कॉल असली नहीं होती, कोई कॉल हैकर्स की भी हो सकती है। FIA साइबर क्राइम हेड इमरान रियाज ने खबरदार कर दिया है। इस हवाले से तफसील जान लेते हैं। समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, क्या बताया इन्होंने, क्या इंकशाफात किए हैं? आज देखिए, फ्रॉडियों की जानिब से शहरियों को लूटने का एक नया अंदाज जो है वो सामने आया है। हैकर्स ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर बैंक की जो हेल्पलाइन होती है उनके एक डिजिट का इजाफा किया है, यानी कि जीरो नंबर का एक आगे इजाफा किया और उसके बाद उन नंबरों को वेबसाइट्स पर फरोख्त करना शुरू कर दिया है। इसी तरह जालसाज, जो ऑनलाइन जालसाज होते हैं, वो इन नंबर से शहरियों को फोन करते हैं और फोन करके उनकी जाती मालूम हासिल कर लेते हैं। शहरी यही समझता है कि उनको जो है वो उनके बैंक से जो है वो फोन आ रहा है, जबकि वो आने वाली कॉल जो है वो हैकर से होती है, क्योंकि वो नंबर जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है जैसे कि बैंक की हेल्पलाइन का नंबर होता है, सिर्फ उसमें एक सिफर का आगाज जो है इजाफा किया जाता है। सिर्फ एक सिफर के इजाफे से शहरी पहचान नहीं पाता कि ये कॉल हैकर्स की जानिब से या बैंक की जानिब से, तो इसकी वजह से आम शहरी जो है वो अपनी मालूमात उस हैकर्स को जो है वो दे देते हैं और अपने बैंक अकाउंट में जो रकम होती है उससे हाथ धो बैठते हैं। तो FIA का ये कहना है कि शहरी मोहतात रहें और ऐसे अगर फ्रॉडियों की कॉल उनको आए तो वो अपनी जाती मालूमात किसी से शेयर ना करें। जी, बहुत शुक्रिया आपका अहमर रहमान खान। समग्र नुमाइंदे अहमर रहमान खान हमें बता रहे थे कि किस तरह से हैकर्स ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। बैंक के नंबर से आने वाली हर फोन कॉल असली नहीं होती, कोई कॉल हैकर्स की भी हो सकती है। FIA साइबर क्राइम हेड इमरान रियाज ने इस सिलसिले में खबरदार कर दिया है। सारी तफसील अहमर रहमान खान हमें बता रहे थे कि किस तरह हैकर्स अब कॉल कर रहे हैं और आवाम को लूट रहे हैं।